डायनासोर कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। तो बेसिकली डायनासोर इस तरह से दिखाई देते हैं, ये जमीन में पाए जाने वाले सबसे भारी भरकम लिविंग क्रिएचर थे, बहुत बड़े एनिमल। और ये डायनासोर बेसिकली लैंड के ही रेप्टाइल हैं। क्या ये लैंड में पाने जाने वाले रेप्टाइल हैं? आपने इसके पहले देखा कि वाटर के रेप्टाइल कौन होते हैं। ये रेप्टाइल जितने भी पाए जाते हैं डायनासोर, इनमें सबसे बड़ा डायनासोर यही है जिसका पिक्चर है, इसे कहते हैं टिरेनोसॉरस रेक्स। टिरेनोसॉरस रेक्स ये बिगेस्ट डायनासोर है। एग्जाम के हिसाब से याद रखना, बिगेस्ट डायनासोर। लगभग इसकी हाइट की बात करें तो ये कितना है हाइट में, यह है 20 फीट हाइट का होता है ये। और इसके दांत देखिए, ये जो दांत है ये डैगर लाइक टीथ, डेंजरस दांत हुआ करता। तो इसके बारे में, ईसा टायरेनोसॉरस रेक्स डायनासोर है, सबसे बड़ा डायनासोर। ये एग्जाम फैक्ट दो ही हैं, 2 फीट हाइट का है और इसमें एक स्ट्रांग डैगर लाइक टीथ देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, कई तरह के और भी क्रिएचर आए। लगभग 65 मिलियन ईयर एगो ये जो डायनासोर हैं ये सडनली डिसअपियर हो गए, डिसअपियर। इस समय में लगभग 65 मिलियन ईयर एगो, और जब ये डिसअपियर हो गए तो 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उसके संबंध में। कारण क्या है, व्हाट वाज द रीज़न, ट्रू रीज़न नॉट नोन, रीज़न क्लियर नहीं है। फिर भी लोगों ने कहा कि शायद क्लाइमेटिक चेंज है या क्लाइमेट का चेंज है, दैट कुड बी ए रीज़न। किसी को क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ और ये इस तरह से हो गए। कई लोगों ने माना कि ये जो है बाद में डायनासोर हैं, ये बर्ड समय तब्दील हो गए, क्योंकि आज के बर्ड्स हैं वो डायनासोर से ही मैच करते हैं, ये भी बात कहा गया। लेकिन जो सत्य है कि डायनासोर कहाँ गए, क्या हुआ, वो इन्हीं 3-4 कहानी हैं, इसी के बीच में घूमता है। अभी भी स्मॉल साइज के रेप्टाइल हैं वो आज भी कहीं ना कहीं दिखते हैं, जैसे छिपकली है वो देख करके थोड़े से लगते हैं कि ये रेप्टाइल है। और भी कई ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े से इनके होने का एक तरह से प्रमाण देते हैं।